मैं एक सर नमस्ते सर नमस्ते सर प्रसन्न जी जी सर टेक यू सीट थैंक यू सर ओके सो गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रसन्न जी टू व्हाट सर सर मेरा नाम प्रसन्न जी सिंह है और मैं कानपुर नगर जिले से हूँ और मैंने वर्ष 2016 में बीएससी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया था और मैंने वर्ष 2018 में एमएससी भी कानपुर यूनिवर्सिटी से ही किया था और मैंने वर्ष 2020 में बीएड किया था और मेरी हॉबी टीचिंग है सर इसको इसलिए मैंने सर चुना है क्योंकि सर इसमें जो जॉब करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो किसी और जॉब में नहीं है क्योंकि इसमें विविध क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ में मैं मुझे लगता है कि मैं योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी दे सकता हूँ। अच्छा, आपने बोला कि आपकी हॉबी टीचिंग है और ये कहा जाता है कि अगर हम अपने हॉबी को अपने प्रोफेशन में बदल दें तो उससे अच्छा कमिटमेंट तो शायद कहीं हो ही नहीं सकता, बट फिर भी आपने कहा कि टीचिंग से ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विसेज में, ऐसा क्यों, आपने डाउनग्रेड क्यों किया टीचिंग को उसके आगे? सर मुझे लगता है कि मैं अपनी टीचिंग को भी इसमें प्रेफरेंस दूंगा, इसमें सिविल सर्विसेज में, इसके माध्यम से मैं टीचिंग क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा। कैसे सर? स्पष्ट बता सकते हैं इसके माध्यम से? सर जैसे कि नई शिक्षा नीति आई है तो उसके माध्यम से मैं उन क्षेत्रों को क्रियान्वयन करने का प्रयास करूंगा और इसके साथ ही साथ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी है तो उनमें भी मैं समय समय पर निरीक्षण करूंगा और वहाँ पर जो नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा। आपके अगर व्यक्तित्व की कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की हम बात करें तो एक दो कुछ बता सकते हैं? सर मैं मेरे व्यक्तित्व की स्ट्रांग पॉइंट सर ये है कि मैं किसी भी कार्य को सर छोटा या बड़ा नहीं समझता हूँ, पूरी मेहनत के साथ में करता हूँ और दूसरा सर ये कि मैं पूरी ईमानदारी से कार्य करता हूँ। अच्छा, अभी हाल में प्रयागराज में कुछ ऐसी घटना घटी थी अपराध से रिलेटेड, यहाँ पे आपने पढ़ा था अखबार में उसके बारे में? जी सर। आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये लॉलेसनेस की कंडीशन है या एक ऐसा सिचुएशन था विच वॉज अनअवॉइडेबल, ये इस पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई बहुत रोल नहीं है? सर देखा जाए तो सर जैसे कि प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है तो उस हिसाब से यहाँ पर इस तरह का किया गया है। सर क्या किया गया? सर जैसे कि अभी हत्याकांड जो हुआ है सर तो उसमें से पुलिस कमिश्नरी से क्या रिलेशन है इसका? सर इसका रिलेशन ये है कि सर वहाँ पर जो पुलिस को जो है वो सारे अधिकार मिल जाते हैं, मजिस्ट्रेट का अधिकार मिल जाते हैं अपेक्षा कर दी। और नहीं होना चाहिए तो फिर ऐसे अपराध कैसे हो रहे हैं अगर इतने अधिकार मिल चुके हैं पुलिस को? सर सॉरी सर, नहीं कोशिश करिए। कोई बात नहीं। अच्छा, हाल में अभी विश्व के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में भूकंप आया था, उससे काफ़ी नुकसान हुआ था, कौन सी जगह पे आया था और क्या प्रमुख वजह थे भूकंप के, बता सकते हैं? सर अभी हाल ही में सर 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो इसका मुख्य कारण सर वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी थी क्योंकि वो जो तुर्की क्षेत्र है वो प्लेट टेक्टोनिक्स में बैठा हुआ है और जहाँ पर चार प्लेटों का मिलन क्षेत्र है, एक अफ्रीकन प्लेट है और अरेबियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है और जो तुर्की का जो संपूर्ण हिस्सा है वो लगभग अनातोलियन प्लेट पर बसा हुआ है तो ये प्लेटें जो है वो मूवमेंट करती रहती हैं तो जब किसी भी प्लेट में मूवमेंट होता है तो वहाँ पर सबसे पहले हलचल आती है। अच्छा, इस घटना के बाद भारत में भी बहुत से अलर्ट जारी किए गए थे कि कई ऐसे जोन्स इंडिया में भी हैं जहाँ पे इसकी संभावनाएं हैं, उन जोन्स के बारे में बता सकते हैं? जी सर, भारत में जैसे कि 5 भूकंपी जोन में बांटा गया है तो जिसमें से सर्वाधिक वल्नरेबल क्षेत्र जो है वो भूकंप 5 है जिसमें से गुजरात का कच्छ क्षेत्र है और उत्तराखंड का चमोली जिला है और जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र है और सिक्किम का भी कुछ क्षेत्र है। अच्छा, जोन 5 तो नहीं लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से कुछ क्षेत्रों की बात करें जो भूकंप से प्रभावित हो सकते हैं, किन का नाम देना चाहेंगे? सर जैसे कि देखा जाए तो सर उत्तर प्रदेश में सर 4 भूकंपी जोन आते हैं। पहला भूकंपी जोन जो है सर वो बुंदेलखंडी क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर भूकंप के आने की जोन में आता है। सर वो फर्स्ट जोन में आता है, वहाँ पर भूकंप के नहीं आने की संभावना है और थोड़ा सा उसके उत्तर में जाएंगे तो वहाँ पर भूकंपी जोन सेकेंड आता है जैसे कानपुर है और प्रयागराज है, इस क्षेत्र में भूकंप की थोड़ी सी आने की संभावना हो सकती है और इसके थोड़ा सा और उत्तर में जाएंगे तो वहाँ पर भूकंपी जोन थर्ड आता है और जो उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है और उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र वो भूकंपी जोन 4 में आते हैं तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वल्नरेबल क्षेत्र है। कोई एरिया जोन 5 में आता है उत्तर प्रदेश में? सर अभी तक तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एरिया 5 जोन में नहीं आता है। प्रसन्न जी। जी सर, हमें उसमें बजट के बारे में बताइए, क्या होता है?
सर ऊष्मा बजट सर जो ये सर पृथ्वी के एल्बिडो से संबंधित है, इसमें से सर जो सूर्य का जितना भी ताप आता है वो उतना ही लगभग परावर्तित हो जाता है, तो इससे से जो टेम्परेचर है वो सर मेंटेन रहता है, तो इसी को ऊष्मा बजट कहते हैं। पार्थिव विकिरण क्या है सर? पार्थिव विकिरण सर ये है कि सर सूर्य की जो किरणें हैं वो लघु तरंग दैर्ध्य फॉर्म में आती हैं और वो दीर्घ रेडियो फॉर्म में जाती हैं, तो इसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। जब अपनी कोर्स में इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो दो शब्द आएंगे सबसे पहले, एक था आर्थिक समृद्धि और दूसरा था आर्थिक विकास। जी सर, क्या अंतर है दोनों? सर जैसे कि आर्थिक समृद्धि है तो सर ये परिणामात्मक वृद्धि को बताता है, जबकि आर्थिक विकास जो है वो विस्तृत क्षेत्र होता है। आर्थिक विकास अगर होता है तो फिर आर्थिक समृद्धि पहले हो जाती है, तो इस प्रकार से आर्थिक विकास जो है वो विस्तृत क्षेत्र है और आर्थिक समृद्धि क्षेत्र जो है। जी सर। ओके, अच्छा ये देखिए प्रसंगित, रूस यूक्रेन और एक साल। जी सर। कहाँ जा रहा है ये, आप किस तरह देखते हैं इसको, कहाँ रुकेगा ये? सर रूस और यूक्रेन युद्ध अभी तो लग नहीं रहा है कि सर शांत होने का है, क्योंकि अभी इसमें से यूक्रेन पर अमेरिका की राष्ट्रपति जो है वो और ही संसाधन मुहैया कराने की बात कर दी है, तो इससे लगता है कि रूस भी अब शांत नहीं रहेगा। तो पहले से नहीं शांत है। जी सर, तो इसका लगता है कि रूस जो है, अगर रूस को चीन मदद करता है तो ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। इस बार के बजट में की योजना है ये मिस्टी योजना। जी सर, क्या है ये? सर मिस्टी योजना सर ये पर्यावरण से संबंधित है, इसमें से सर जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर सर बागवानी को यानी कि मैनग्रोव पौधों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, इसके माध्यम से जैव विविधता में भी वृद्धि होगी और इसके साथ में पौधारोपण भी होगा, तो इससे तटीय क्षेत्रों को और फायदा मिलेगा। ओ, सर, तो आप तो ज्योग्राफी के विद्यार्थी। जी सर। अच्छा ये आग्नेय चट्टानें क्या होती? सर आग्नेय चट्टानें जो सर प्राथमिक चट्टानें होती हैं, जब पृथ्वी का सबसे पहले निर्माण हुआ था तो सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, और ये चट्टानें जो हैं वो बहुत ही कठोर चट्टानें हैं, इसमें कोई भी जो किसी भी जीवांश के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। नहीं मिलते। अच्छा पृथ्वी में छेद हो सकता है एक सिरे से दूसरे सिरे पर? सर कोशिश हुई है? सर अभी तक तो सर मुझे पता नहीं। सबसे बड़ा होल कहाँ करने की कोशिश हुई, उस वालों ने किया है क्या? जी सर। क्या सर पारिस्थितिकी तंत्र? सर पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र होता है जिसके माध्यम से सर जो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव एवं वहाँ पर निवास करने वाले अन्य प्रकार के जंतु वृक्ष इत्यादि सब परस्पर सम्मिलित रहते हैं, तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आप जानते हैं कि पहले कोशिका पैदा हुई, जल में पैदा हुई, फिर जल से वो कोशिकाएं बढ़कर रेंगने लगी, तो रेंगने के बाद तो फिर दूसरे पशु चलने वाले पशु बनने चाहिए। जी सर। लेकिन बने पक्षी पहले, क्यों ऐसा हुआ हो? भाई रेंगने के बाद तो फिर चलने वाले पशु बनने थे, लेकिन विकासवाद कहता है कि पहले पक्षी बने फिर चलने वाले पशु बने, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई वजह है क्या? थोड़ी सर। अच्छा देख रहे हैं मौसम इधर कितना गड़बड़ चल रहा है, किन कारणों से? सर ऐसा तो इस वजह से है सर, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सर इस बार थोड़ा सा कम रहा है। कहाँ से आता है? सर ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सर भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है और ये सर्दियों के मौसम में उत्पन्न होता है। क्या होता है विक्षोभ? गर्म हवा है, ये ठंडी हवा है, क्या है? सर ये पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो सर पवनों का हवा होता है और ये इसमें ठंडी हवाएं चलती हैं और सर्दियों के समय में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश कराती हैं। ठंडी क्यों होती है? भूमध्य सागर ठंडा है इसलिए? नहीं सर, भूमध्य सागर ठंडा तो सर नहीं है सर, ये सर्दियों के समय में आती है और ये पछुआ भी ठंडापन लाती कहाँ से है अपने साथ? कहीं से एनर्जी तो नहीं लॉस जनरेट करेंगे, तो भाई कहाँ से ठंडी होके आ जाती? सर जैसे कि मार्ग में मिलने वाले हिमालयी पर्वत क्षेत्र है तो वहाँ से सर हवाएं ठंडी हो जाती हैं। यहाँ से चलती हैं वो गर्म चलती हैं? नहीं सर, वहाँ से नमी ले लेती हैं सर, आर्द्रता ले लेती हैं। अच्छा गर्म हवाएं जैसे ऊपर उठ जाती हैं? जी सर। तो नीचे उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा आएगी? जी सर। इस चक्र को फिर क्या इसे बारिश होगी? बारिश कैसे होती? सर बारिश ऐसे होती कि सर जब वायुमंडल में हवाएं जब ज़्यादा हो जाती हैं तो वहाँ पर संघनन की क्रिया होती है और इसके माध्यम से जब ज़्यादा हो जाते हैं बादल तो इससे बारिश होने लगती है। अच्छा जो ये आर्द्रता है समुद्र से आती है, सागर के किनारे तो हमेशा बनी रहती है ये आर्द्रता? जी सर। और इस क्षेत्र में कम रहती है, क्या कारण है इस कम और ज़्यादा का? समुद्र के बॉम्बे जाएँ आप, केरल जाएँ, ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, मध्य भारत में नहीं रहती, क्या कारण?
सर इसका सर एक कारण तो ये है कि सर वहाँ पर सागरी समीर चलती हैं जो समुद्र से हवा स्थल की ओर चलती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जो है वो नमी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर तटीय क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है। तटीय क्षेत्र कितने किलोमीटर तक हम लोग ये मान लें कि नमी रहेगी? सर उसका कोई रेंज नहीं है देखा जाए तो सर, लेकिन जो जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र मिल जाते हैं जैसे कि पश्चिमी घाट है, तो उसके बाद भी सर वो वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाता है, तो उसका वही रेंज डिसाइड हो जाता है। उसके पश्चिम पूर्व की ओर सर बारिश नहीं हो पाती, जिस वजह से वो क्षेत्र जो है वो पश्चिम वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। जी सर, आपकी रुचि टीचिंग में है? जी सर। प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं? जी सर। बहुत अच्छा, आपने एनईपी की बात की, तो एनईपी को पढ़ा भी होगा? जी सर। क्या है उसमें, पांच नए सुझाव क्या दिए गए हैं जो अभी तक पुराने शिक्षा नीति में? सर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर जैसे कि 10+2+3 का जो कॉन्सेप्ट था उसको बदला गया है, अब इसमें 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। इसके साथ ही साथ में इसमें राज्य और केंद्र सरकार का जो जीडीपी का जो योगदान है वो 6% रहेगा, और इसके साथ ही साथ में जो अब बच्चों को है वो सर ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा, इसके लिए उनको स्वास्थ्य कार्ड भी बनवाए जाएंगे। और इसके साथ में अब एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो बच्चों को विषय चुनने में दिक्कत होती थी, जैसे कि कोई व्यक्ति साइंस का होता था तो उसको बायो नहीं ले सकता था, लेकिन अब क्या है अब दोनों ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं और बायो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ में अब जो है वो इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया मल्टी लेवल एंट्री और मल्टी लेवल एग्जिट, इसका मतलब जानते हैं? सॉरी सर। अच्छा, आपने नवाचार एक शब्द यूज किया? जी सर। क्या होता है नवाचार? सर इसमें से सर आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर के सर नए नए तरीके से शिक्षा का माध्यम प्रोवाइड कराना नवाचार कहलाता है। आप बीएसए हैं, आप नवाचार का अपने जिले में क्या क्या करेंगे? सर इसके माध्यम से सर मैं वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे कि वर्तमान समय में बजट में प्रावधान किया गया है, तो उन डिजिटल लाइब्रेरियों को लागू करवाने का प्रयास करूँगा। इसके साथ ही साथ जो अन्य क्षेत्रों में जिससे बच्चे और सीख सके सर। ठीक है प्रसन्न जी, कैसा लगा आपको अपने इंटरव्यू? सर थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा, आप पिछली बार भी आए थे? जी सर। क्या था आपका मार्क्स फाइनल? सर मेरा 55 था। कोशिश की, दो तीन चीज आप शायद वीडियो देखेंगे तब भी समझ में आएगा। एंट्री लेवल पे मुझे लगता है कि आप सीधे मतलब जैसे गेट खुला धड़ल्ले से अंदर आ गए। जी सर, मैं डर गया था कि मैं इधर उधर देख नहीं पाएगी। इधर टेक योर टाइम, आप वहाँ पे जब भी आप एंट्री करते हैं ऑब्वियसली यू डोंट नो कि कौन वहाँ पे बैठा है, कौन कितना वहाँ पे सीनियर, तो फर्स्ट टेक द परमिशन, वहाँ पे आप आए विश करें अच्छे से इस तरीके से, और उसके बाद फिर जैसा आपको आदेश दिया जाता है वैसा करें। मुझे लगता है वहाँ पे एक लगता है ड्रेस अच्छा, ड्रेस यही पहन के जाएंगे? नहीं सर, दूसरी है। दूसरी है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा थोड़ा कुछ जी सर दूसरी अगर ये नहीं है तब तो ठीक है। वॉइस में आपका क्या बात करने की शैली यही है? क्योंकि सर गर्मी लग रही मुझे बहुत जोर से। मुझे लगा सर बीच में पहुँच नहीं सकते, इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा बहुत जो भी है। जी सर मुझे लग रहा था बहुत तीव्र गति से, क्योंकि सर वो गति के अलावा भी ना वो जैसे एक रुक नहीं रहा मशीन और एक इंसान में नहीं अंतर होगा, एक कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं, ब्रेक नहीं लग रहा था, जो लिंक्स थे उसको हमको एस्टैब्लिश कराना पड़ रहा था, चलिए एक चीज खत्म हो गई दूसरी बात यहाँ से शुरू हो रही है, तो अगर उसको थोड़ा सा ठहराव देंगे तो मुझे लगता है कि आप बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं, अदरवाइज कंटेंट वाइज मुझे लगता है प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। लास्ट टाइम से तो काफी अच्छी है। अच्छा अभी इस बार भी दिया था? नहीं नहीं, अच्छा लास्ट टाइम आई रिमेम्बर हिम, बहुत अच्छे से मुझे याद था, और नंबर भी बहुत बुरा नहीं था उसमें, थोड़ा सा क्यों सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ऑप्शनल में थोड़ा नहीं, ऑप्शनल तो मेरा ठीक था, लेकिन वैसे एसी में कम हो गया था, किसी एक में गड़बड़ हुआ होगा। एसी में सबका कम था यार, एसी में मेरे काफी कम थे सर, 74 थे। 74 तो मेरा हाईएस्ट था। नहीं नहीं, इंटरव्यू में हाईएस्ट 74 था। अच्छा, बट एनीवे आप सबसे पहले तो सिलेक्शन हुआ है लोगों का, कोई बात नहीं, अगर आप ये मेंटेन करते हैं तो हमको लगता है कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। बाकी लिमिटेशंस होगा आपको पता ही आ गया, थोड़ा सा ब्रेक करके देंगे ठीक है। और वहां से कुछ पसीना पूछा जा सकता है? मुझे लग रहा था कि पसीना नहीं पूछ सकते, इसलिए बहुत गलत। ठीक है सर, थैंक यू सर।